जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये लीजिए, ये कुछ कपड़े हैं, आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं पहले ही आपको इतना परेशान कर चुकी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, लो। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप आराम कीजिए। ऐसा पहली बार नहीं था, सुशांत ने पहले भी बहुत से अजनबी लोगों की मदद की थी, वो अपने फर्ज के लिए कुछ भी कर सकते थे, उनके इस जज्बे की मैं भी बहुत इज्जत करती थी, पर पता नहीं क्यों उस रात उस लड़की का घर आना बहुत अजीब सा लग रहा था, दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहम नहीं आने वाले खतरे की चेतावनी थी। हे भगवान, एक के बाद एक अपशगुन, सच में इसकी वजह से तो नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ? सुशांत नारियल से खून निकल रहा है, देखो। ईजा पहले शांत हो जाओ और फिर आराम से मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? सुशांत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल रात से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं अभी पूजा कर रही थी और सारे दिए बुझकर मैंने वीर दिए फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला और उसके बाद नारियल टूट के गिर गया। हो सकता है ना कि नारियल पुराना हो, खराब हो। और ये दिए? नीचा दिए तो हवा से भी बुझ सकते हैं। नहीं सुशांत, तुम मेरा विश्वास करो, ये सब सही नहीं लग रहा मुझे। नीचा सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। पर सुशांत मेरी बात समझ नहीं। मैं नाश्ता लगाती हूँ। Thank you. आप अंदर जाओ, मम्मा इसे क्लीन करके आती है, ठीक है? जाओ। आप जरा बाल्टी लेके आ जाएंगी, मैं इसे साफ कर देती हूँ। सुशांत, मुझे लगता है सुरेला कुछ ठीक नहीं है, जब से वो आई है ये सब तभी से हो रहा है, तुम देख रहे हो ना? पक्का यही बात है या कुछ और? सुशांत तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें जो हो रही है वो तुम्हें, मुझे पता है ये सब जो हो रहा है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उसमें उस
उस बेचारी की क्या गलती, वो तो खुद ही परेशान है। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अपना और सिमी का ख्याल रखना, ठीक है? अगले हफ्ते फियर फाइल्स में देखिए कैसे हाथों में लगी मेहंदी तान्या की जिंदगी में एक खौफ का मंजर लेकर आती है। एक ऐसी मेहंदी जो लड़कियों को दुल्हन बनने से पहले ही विधवा कर दे। आखिर क्या है ऐसा उस मेहंदी में, किसने बनाई थी वो मेहंदी, और कौन है जो उस मेहंदी के जरिए तान्या और उसके अपनों को अपना शिकार बनाना चाहता है। जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीर।